किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। पिछले दो तीन दिन से यही देश में चल रहा है। बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट को कुछ लीडर्स घेरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। मंदिर के लिए ली गई जमीन की कीमत 2 करोड़ से मात्र 10 मिनट में 18 करोड़ कैसे हो गई? मात्र 10 मिनट में। ये सवाल वो राम मंदिर ट्रस्ट से चाहते हैं और बीजेपी से भी इनडायरेक्टली चाहते हैं, क्योंकि देश में 70% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी सत्ता में हिंदुत्व के चलते आई है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर देश में बीजेपी आई है, ऐसा मैं नहीं, कुछ लोग मानते हैं। आपको न्यूज़ आर्टिकल्स रिपोर्ट्स ढेर सारी मिल जाएंगी, आप तकलीफ उठाइए। लेकिन आज का मुद्दा वो नहीं, आज का मुद्दा ये है कि क्या ये जमीन घोटाला हुआ है, कौन इस पर लेकर क्या कह रहा है और उनकी बात में कितनी सच्चाई है। आज की इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ना मैं बीजेपी की साइड से हूँ, ना मैं कांग्रेस की साइड से हूँ, हम सच्चाई की साइड से हैं, हम साइंस की साइड से हैं। नहीं दोस्तों, हम सच्चाई की साइड से हैं। तो पॉलिटिक्स की गंदी सोच को एक साइड में रख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को। दोस्तों बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का टॉपिक आज से नहीं, 1992 से पहले से चल रहा है, 1992 से पहले से चल रहा है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, तो इस पर मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो कवर की है। क्या मंदिर को लेकर जजमेंट है, क्या बाबरी मस्जिद को लेकर जजमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने, वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये कॉन्ट्रोवर्सी अच्छे से समझ आएगी और हम डिटेल में बात करेंगे, सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे। पहले की तरह जैसे हर बार देश में कोई मुद्दा उठता है, किससे उठता है? आरोप से। जी हाँ, इस बार भी आरोप लगे, और आरोप किसने लगाए? आरोप आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष संजय सिंह और अयोध्या के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने लगाए। आरोप ये लगाया गया है कि राम मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी गई है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। मैं आपको जल्दी से एक बार डिटेल में बता देता हूँ क्या हुआ। देखिए दोस्तों, इस ट्रस्ट का पूरा नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। 2020 में रिसेंटली बना था, आपको भी पता होगा अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, गलती से अगर आप देख लेते हैं तो बात ऐसे हुई, राम मंदिर ट्रस्ट ने 1.2 हेक्टेयर जमीन खरीदी 2 प्रॉपर्टी डीलर्स से। उन प्रॉपर्टी डीलर्स का नाम है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। इन 2 प्रॉपर्टी डीलर्स के थ्रू 18 करोड़ की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी। अब मुद्दा ये नहीं है कि वो जमीन 18 करोड़ की राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी, मुद्दा ये है कि उस ट्रस्ट के खरीदने के 15 मिनट पहले ही उस जमीन की कीमत मात्र 2 करोड़ रुपये थी। 10 से 15 मिनट के बाद ही उस जमीन की कीमत 18 करोड़ कैसे हो गई, यही पूरा मुद्दा है, यही पूरी कंट्रोवर्सी है। अब दोस्तों अगर ये दो डीलर पूरे देश को ये बता दें, सिर्फ ये बता दें कि इस जमीन की कीमत हर सेकंड 15 लाख कैसे बढ़ी, क्योंकि 2 करोड़ की कोई जमीन है, 10 मिनट के अंदर वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, तो 1 सेकंड के अंदर 15 लाख की कीमत कैसे बढ़ी, तो और देश में प्रॉपर्टी डीलर्स हमें भी बेचारे प्रॉफिट कमा ले, वो भी अपना घर अच्छे से चला पाए, और इन अपोजिशन के लीडर्स का और जो दूसरे लीडर्स हैं इनका मुंह बंद हो जाए, कोई पूछे उनसे। अब इसी मुद्दे को लेकर देश के कुछ लीडर सीबीआई की जांच चाहते हैं, ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें आए, सीबीआई जांच करे। मुद्दा तो ठीक है, लेकिन देश में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी अपनी बुद्धि नहीं होती। मैं भी हिंदू हूं, मैं भी राम भक्त हूं। इस पूरी कंट्रोवर्सी में आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि भगवान श्री राम को कहां ठेस पहुंची, या भगवान श्री राम के भक्तों को इस पूरी कंट्रोवर्सी में, इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे मुद्दे में भगवान श्री राम को कहां ठेस पहुंची। हाँ, राम मंदिर ट्रस्ट वालों को ठेस जरूर पहुंची, क्योंकि उन पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया, उन पर सवाल उठाया गया, उन पर ठेस पहुंचे, तो हम समझते हैं हाँ ठीक है, उनकी बात जायज, उन पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम और उनके भक्तों को कहां ठेस पहुंची,
मुझे तो नहीं दिखाई दी, अगर आपको दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। अब जो लीडर इसको अपोज कर रहे थे उनमें से एक आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह भी थे। तो अब मुद्दा हो गया ज़मीन की कीमत का कि ज़मीन की कीमत कितनी है, 2 करोड़ थी फिर 18 करोड़ हो गई। तो संजय सिंह ने ट्विटर पर कुछ कागजात पोस्ट किए और उन्होंने बताया कि इस ज़मीन की एक्चुअल कीमत 5 करोड़ के करीब है। अब फिर से मैंने आपको बताया, जैसे ट्विटर पर पोस्ट हुआ कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जिन्हें ठेस पहुंची, तो उन्होंने क्या किया, इस लीडर के घर के बाहर जो नेम प्लेट थी उस पर कालीन पोत दी। ट्विटर पर आकर उन्होंने फिर कहा कि मैं नहीं चुप होऊंगा इस करप्शन के खिलाफ, मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वाह दोस्तों, इतने अच्छे लीडर्स हैं देश में, अभी पता लगा हमें। अब ये मामला जब शुरू हुआ तो कांग्रेस की कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ के रेजिडेंस के आसपास उन्होंने धरना शुरू कर दिया। अब उनका आरोप ये है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, बुरे तरीके से मारपीट की और एक महिला को रस्सी से घसीट कर वहाँ से हटाया, जिससे उसको चोट भी आ गई, वो जख्मी भी हो गई। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है हमारा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहूँ, बस कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। जब राम मंदिर ट्रस्ट से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अब ये मामला कहीं ना कहीं हिंदुओं से रिलेटेड हो गया, तो विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर ट्रस्ट को ये सजेस्ट किया कि आप डीफेम का केस इनके खिलाफ डाल दें, आप ये केस डाल दें कि ये हमारे काम में रुकावट करना चाहते हैं, बिना बात का दखल अंदाजी हमारे काम में कर रहे हैं। उन्होंने कहा विश्व हिंदू परिषद ने कि इस बार सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, इस बार हम केस फाइल करेंगे। अब दोस्तों मैं बात करूं अपनी राय की, आप अपनी राय कमेंट में बता दीजिए, मैं अपनी राय आपको बता देता हूं। मेरी अपनी राय ये है कि अगर अपोजिशन के कुछ लीडर्स को या देश के कुछ राजनेताओं को ये लगता है कि करप्शन हुआ है तो कराइए जांच, क्या तकलीफ है, सुप्रीम कोर्ट जांच करे, CBI जांच करे, कोई भी जांच करे। राम मंदिर ट्रस्ट को ये भरोसा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो चाहे कोई भी जांच करे, कोई भी अफसर हो, कोई भी ब्रांच जांच करे, CBI, NI, कोई भी जांच करे, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब इंसान को पता है कि मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक ही हूँ, चाहे कोई भी जांच कर ले। अब अगर इस जांच करने से देशवासियों को भी संतुष्टि होती है और इन लीडर्स का मुंह बंद होता है तो इस जांच करने में कोई बुराई नहीं है। बाकी आप कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है, इतनी जानकारी आपको मिल गई है कि जब आपसे कोई पूछे कि ये केस क्या है आप उसको बता सके, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो सिर्फ पॉलिटिक्स के जाल में उलझे हुए हैं, सच्चाई को देखना नहीं चाहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।